हेलो माय लवली बेकर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी 1 किलो का केक। तो पहले केक बनाने के लिए तो केक टिन को रेडी करना ज़रूरी है। तो देखिए, मेरे पास कोई पसमन पेपर नहीं है, बटर पेपर नहीं है। तो आज मैं क्या करूंगी, घर में जो नॉर्मल पेपर है ना, उससे छोटी सी काट करके मैंने ऑयल से ग्रीस करके केक बेक करूंगी। यही एक तरीका है जिसके पास बेकिंग पेपर, बटर पेपर नहीं है, पसमन पेपर नहीं है। तो उसने घर की जो साधारण पेपर होती है, नॉर्मल वाइट कलर का, उसमें कोई लेखा दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लेन जो वाइट नॉर्मल पेपर है, उसको काट करके ऑयल से ग्रीस करके आप केक को अच्छी तरीके से बेक कर सकती है। वो भी बहुत ही इजीली तरीक़ा से केक निकल जाती है। आप अनमोल भी कर सकती है बहुत ही इजी तरीके से। तो जिसकी पास बेकिंग बटर पेपर नहीं है, पसमन पेपर नहीं है, तो आप यही ट्रिक को फॉलो कर सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक साथ 2 केक बेक किया है। एक किया 7 इंच मोल्ड है और एक किया 5 इंच मोल्ड में, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ जब केक बेक करती हूँ, एक साथ 3-4 केक बेक कर लेती हूँ। क्योंकि हमेशा मेरे पास इमरजेंसी ऑर्डर आती है, इसलिए मैं केक बेक स्पॉन्ज को पहले बेक कर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और मैं कैसे करके स्पॉन्ज को स्टोर करती हूँ, मेरा चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकती है वीडियो को। तो पहले देखिए, मैंने जो 7 इंच मोल्ड में बनाया था स्पॉन्ज को, वही मैं 3 पार्ट में काट लिया। और इस केक बनने वाली है एक वुमेन की बर्थडे केक। तो इस केक, आज का केक बहुत ही खास है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको A to Z डिटेल्स पता चल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस दो स्पॉन्ज बनाया था, आज बनाया था दो दो स्पॉन्ज। इसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकती है। तो आज का केक के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल केक, और इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और केक बनाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल बनेंगे। तो देखिए, मैंने पहले केक को क्रम कोट कर लिया, क्योंकि क्रम कोट को करना ही पड़ेगा, जो केक का डेकोरेशन करना प्रोसेस है। शायद मेरा चैनल जो मेरे फ्रेंड हमेशा देखती है, उस फ्रेंड को पता ही चलता है मैं किस तरीके करके क्रम कोट करती हूँ। तो जो नया फ्रेंड्स है उसको भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने क्रम कोट करके फ्रीज में रखा था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मेरे हाथ में टाइम थे। इस केक को पूरा डिलीवरी देना है 5 क्लॉक में। तो इस केक को मैंने सुबह ही बनाया, क्योंकि मुझे पता है और केक ऑर्डर आ जाएगा, तो जब आती है ना ऑर्डर, मैं फटाफट बना के फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जो सेकेंड ऑर्डर आएगा उसको भी तुरंत बना के डिलीवरी आसानी से दे सकती हूँ। इसलिए मैं जब ऑर्डर आती है तुरंत बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, जो व्हाइट क्रीम है उससे थोड़ी सी येलो हाफ ड्रॉप मिला के इसको क्रीम कलर बना लिया। और इसके ऊपर और मैंने लाइट पिंक कलर से डट डट दे के बीच बीच में थोड़ी सी पिंक कलर बना दिया, क्योंकि जो केक का डिज़ाइन है यही था, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पिंक कलर का कलर था उस केक में, मैं वही बना दिया। उसकी लिए मैं क्रीम की साथ छुरी छुरी पिन कलर दे के प्लेट स्क्रेपर से प्लेन कर दिया, और 2 कलर बन गया, एक है लाइट क्रीम कलर और लाइट पिन कलर। और यहाँ मैंने ले लिया 2D नोजल, जो 1 mm नोजल है उस तरीका का है, 2D नोजल है ये। तो इसको मैं बड़ा बड़ा के फ्लावर काटा है, क्योंकि इसी डिजाइन था उस केक में। और ले लिया सूटी वाला स्टेयर, उससे मैं मेरून कलर से थोड़ी थोड़ी स्टार बना दिया, और क्रीम कलर से भी थोड़ी थोड़ी स्टार बना दिया। अभी मैंने ले लिया R11 का जो सूटा वाला नोजल है उसको, क्योंकि इसका बीच बीच में वही नोजल से जो फ्लावर बनती है, फ्लावर बनाना है, रोज फ्लावर नहीं है, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा मैं किस तरीका का फ्लावर बनाया इस R11 सूटा नोजल से।
तो फ्रेंड्स देखिए, केक फाइनली होने वाला है। इस केक को आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक है फ्रेंड और एक बात है फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाए, ताकि इस तरह का आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को देखने मिले। तो देखिए, फुलवार वगैरह हो चुकी है। बहुत ही आसानी से मैं फुलवार सारा फुलवार को बना लिया। अभी मैंने क्या किया, जो नॉर्मल पाइपिंग बैग है उसको छोटी सी बी कट करके काट लिया, क्योंकि लिप बनाना है ग्रीन कलर से। तो देखिए, मैं छोटा छोटा लिप बनाया, इसलिए मैंने बी कटर को छोटी सी साइज में काट लिया। देखिए, अभी नीचे बनाना है, वो जो ऊपर बीच बीच में मैं फ्लावर बनाया है वही फ्लावर बनाना है। नहीं, केक डेकोरेशन करा सचमुच फ्रेंड बहुत इजी लगा है ना आपको, और ब्यूटीफुल लगा ना, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो देखिए, केक का फाइनल लुक आ चुकी है, बहुत ही ब्यूटीफुल केक है। तो इस केक का वीडियो देखने के बाद आपको कैसे लगा, कुछ आपको काम में आया कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया। और आपको कैसा वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखिए, नीचे देना है जो क्रीम कलर क्रीम है, उससे छोटी साइज का बॉर्डर है। मैंने कोई नोजल नहीं लिया है। पाइपिंग बैग को छोटी सी काट करके काट लिया मैंने, छोटी सी बॉर्डर बना दिया, इतना मोटा वाला नहीं। तो देखिए, केक सचमुच हो गया फाइनली, बहुत ही ब्यूटीफुल केक है ना फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल केक है। बीच में मुझे लेखना है, तो आज के लिए इतना।